मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में आदिवासी व्यक्ति की पत्नी का वीडियो भी सामने आया है। पत्नी ने NI को बताया कि वह मेरे पति हैं, अगर कुछ गलत किया है तो जो होना है वह होगा, अगर कुछ गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया क्या उन पर कोई दबाव डाल रहा है या पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, तो वह कहती है कि नहीं। पत्नी ने कहा कि हमारे ही पति हैं और हम मजदूरी का काम करते हैं, कल घर नहीं आए तो हमें चिंता हुई, हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं, हम पूरी रात जागते रहे लेकिन नहीं आए, जिसने भी गलत किया उसे सजा होगी। मध्य प्रदेश से सीधी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें भाजपा नेता ने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला को कुपरी गांव के खैरवाहा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 323, 123, 294 और 506 IPC के और NSA के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि आरोपी प्रवेश शुक्ला को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया, वह हवालात में है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उसके खिलाफ NSA दर्ज किया जाएगा।